और चलिए अब बात करते हैं गर्मी की। दरअसल आपको बता दें कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में हालात बेहद खराब है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत की भी अगर बात की जाए तो यहां पर लोग गर्मी और लू से परेशान। हीट वेव से लोग बेहाल हैं, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तपती गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या ऊपर चढ़ते पारे के साथ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और जम्मू के कुछ हिस्सों में हीट वेव को लेकर गंभीर हालात बने हुए हैं। इन प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। देश में गर्मी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से इस बात की समीक्षा करी और एक बार फिर से ऐसे निर्देश जारी किए जिससे कोई भी रोगी जो इस हीट की चपेट, जो गर्मी की चपेट में आए और अस्पताल पहुंचे, उसका बिना किसी विलंब के साथ इलाज किया जाए। प्रचंड गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। दिन के समय में हीट वेव और तापमान में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तपती गर्मी के साथ भीषण लू भी चल रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी मानना है कि आज से मौसम में बदलाव दिख सकता है और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा, इस वजह से हीट वेव के भी कम होने की संभावना है। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में लोग दम तोड़ने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना के बाद पहली बार निगम बोध घाट पर शवों की कतारें लगने लगी। निगम बोध घाट के मैनेजर अवधेश शर्मा ने TV9 भारतवर्ष से बताया कि यूं तो घाट पर रोजाना 40 से 50 शव आते थे, लेकिन पिछले दो दिनों में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई। कल रिकॉर्ड 95 शवों का दाह संस्कार हुआ जिसमें बुजुर्गों के शवों की संख्या अधिक थी। ये तागलोनी में जब गए तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने शव जल रहे थे कि जो बीच की बाउंड्री होती है, जो मतलब बीच की जो पटरी होती है, उस पर भी शव जल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जगह नहीं है। आलम यह कि घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। ऐसा कोरोना महामारी के दौर के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, उत्तर भारत में हीट वेव का यह असर है कि बीते 24 घंटे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 44 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई। बागपत में तो व्यापारियों ने बकायदा हीट वेव की वजह से लॉकडाउन तक की मांग कर डाली है। जून जला रहा है, गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। हालत यह है कि गर्मी के पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सिर्फ यूपी में ही गर्मी से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करा रहे हैं। हीट वेव के प्रकोप से लोगों के अंदर डर का माहौल बैठ गया है। लोग दिन में अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गवर्नमेंट को अगर हीट वेव से पब्लिक को बचाना है तो 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा दें। व्यापारियों ने डीएम को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लोग भीषण गर्मी के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक ही लोग बाजारों से सामान खरीद लेते हैं। साथ ही इस बढ़ती गर्मी से रोजाना नई नई बीमारियां भी बढ़ रही हैं और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन व्यापारियों के हितों में उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए और लॉकडाउन या डे कर्फ्यू लगाए। इससे व्यापारी भी हीट वेव के बढ़ते प्रकोप से बच सकेंगे। दिल्ली में एक तरफ जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं पानी के मुद्दे पर सियासत भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। इस बीच पानी के मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में जारी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन उपवास करेंगी। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया है। ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं।
दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी।